दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाईवे साइड है ना, कबूतर को ऐसा कुछ किया मत करो। देखो कबूतर, देखो पूरा मरा हुआ है। देखो दोस्तों आपको मैं गाड़ी बताता हूँ, देखो मर्सिडीज है, बहुत पुरानी है, देखो मस्त ना भाई। ऐसी गाड़ी देखता ना मैं भाई फिदा हो जाता हूँ ऐसे गाड़ी पे। देखो दोस्तों ये देखो क्या गाड़ी है भाई, ये पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है सब। तो जय श्री राम आप सभी को, मैं आपका दोस्त देख आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब में एक ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुका हूँ अपने फील्ड पर गोरेगांव उमिया माता मंदिर के पास। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत लेट हो चुका है, लेकिन आज के दिन में दोस्तों मैं 5 ट्रिप मारने वाला, छोटे छोटे ट्रिप 5 ट्रिप मारूंगा। कैसी भी करके मेरे को कंप्लीट करना है। आपको पता ही दोस्तों एक चैलेंज मैं लिया हूँ 106 दिन का, तो उसको कंप्लीट करना है। एक छोटा सा ड्रीम है मेरा जो कैसी भी करके मेरे को सक्सेसफुल करना है, मतलब करना है 9 अप्रैल 2024 को, जिस दिन गुड़ी पड़वा है उस दिन। तो देखेंगे दोस्तों, और आप सभी को बहुत सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं क्या प्लानिंग किया अभी मुझे पता, मेरे दोस्त को भी नहीं पता जो मेरे को लेके गया था ना शोरूम, उसको भी नहीं पता, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताने वाला भाई। जो है वो 9 अप्रैल को आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या लेने वाला हूँ, कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ वो, ठीक है। और वो दिन का दोस्तों मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ, आप इंतजार करोगे और अगे नहीं। सो अभी जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पोर्ट्रेट पर लॉग इन हो जाते हैं। सो देखते हैं भाई अपने को कौन सा भाड़ा आता है, छोटे छोटे भाड़े मारने का आज, जैसे 400-500 वाले 5 भाड़े मेरे को कैसे भी करके आज कम्प्लीट करना है, ये मेरा आज का टारगेट है। तो देखते हैं टारगेट कम्प्लीट हो पाता है कि नहीं, इसलिए पूरा ब्लॉग स्टार्टिंग से लेकर पूरा ब्लॉग एंड तक जरूर देखो, ठीक है। सो फाइनल दोस्तों अभी मुझे आ चुका है पोर्ट्रेट पर ट्रिप, तो अभी बज रहे सुबह के 10:30। तो अभी ये ट्रिप मेरे को कैसे भी करके उठाना है, तो ये ट्रिप मैंने उठा लिया हूँ। इसका पिकअप लोकेशन है वीरवान इंडस्ट्रियल में, ये मेरे को पता है पिकअप लोकेशन, और ये ट्रिप का ड्रॉप लोकेशन भी पता है मेरे को, इनका ट्रिप मैं बहुत बार मार चुका हूँ इसकी वजह से। तो अंधेरी इसमें इनका सिर्फ ड्रॉप लोकेशन है, और इनका पेमेंट भी ऑनलाइन है, कोई बात नहीं। सो जाते भी सीधा इनके पिकअप लोकेशन, ठीक है। सो अभी मैं आ चुका हूँ वीरवान इंडस्ट्रियल में अपने पिकअप लोकेशन, यहाँ से मेरे को यू टर्न करके वो साइड जाना है, तो यहाँ आगे से मेरे को अभी यू टर्न मारना पड़ेगा, तो मारते हैं अभी यू टर्न। थोड़ा यू टर्न देखो यहाँ का बहुत शॉर्ट है थ्री व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन थ्री व्हीलर के लिए नहीं बैठता। ये देखो लोडिंग गाड़ी रहेगी ना, सीधा पलटी। तो भाई एक हाथ से पूरा गेम है, आदत हो गया भाई, आदत। आप मत ट्राई करो, क्योंकि मैं इसका बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसके वजह से। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने पिकअप लोकेशन, ये देखो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, लीजेंड, ये वो लीजेंड। मस्त लगा दिया भाई गाड़ी, देखो न्यूट्रल भी कर दिया एक हाथ से। तो जैसे कि दोस्तों आप देखते हो, देखो पूरा मटेरियल भी लोड हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक 7 बॉक्स लोड कर लिया अपने गाड़ी में। तो एक जन उनका बंदा कोई आने वाला है मेरे साथ। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ड्रॉप लोकेशन, तो अभी बज चुके देखो लगभग 11:30। तो अभी 11:30 बज रहे, तो एक मिनट रुक जाओ ब्राइटनेस करके बता देता हूँ। ये देखो 11:30 भी अभी बजे नहीं है, बस 3 मिनट बाकी है। तो ये अपना ड्रॉप लोकेशन है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सर्विस, और अपना गाड़ी यहाँ पे लाल परी मस्त रिवर्स में लगा दिया हूँ। दोस्तों आपको मैं गाड़ी बताता हूँ, ये देखो मर्सिडीज है, बहुत पुरानी है, देखो मस्त ना भाई। ऐसी गाड़ी देखता ना मैं भाई फिदा हो जाता हूँ ऐसे गाड़ी पे। देखो दोस्तों ये देखो क्या गाड़ी है भाई, ये पुरानी गाड़ी है सब, एक नंबर ना। एकदम भाई दिल मेरा एकदम खुश हो जाता है, लेकिन क्या ही करे भाई। देखो भाई सपने हैं लेकिन वो सच हो जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। सो अभी ये जाने दो, अभी ये सब बात करूंगा तो फिर वो यही सपने में खो जाऊंगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ट्रिप में एंड कर देता हूँ, ये देखो ट्रिप अभी एंड किया हूँ। क्या हुआ है नेट को, ये देखो फॉर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला, 415 रुपये का ट्रिप था, ये ऑनलाइन था, इसको अभी कैश के लेट स्टार देते कस्टमर को 5 स्टार। अपना दिल बहुत बड़ा है भाई, ये कोई ड्रॉप लोकेशन गोडाउन है, चलो वो कर देते, हो ही कर देते, ठीक है। सो अभी देखते हैं भाई अपने को ट्रिप कौन सा आता है। सो जैसे कि दोस्तों आप देखते थे, देखो अभी मुझे आ चुके पोर्ट्रेट पर ट्रिप, ये एरोली का ट्रिप है, उठा लूँ क्या,
क्या करूँ क्या करूँ सोच रहा हूँ। उठा लिया जाने दो, सोच रहा था बहुत मैं इसको उठाऊं कि नहीं। इसका पिकअप लोकेशन है मोरल में ही है, इसका ड्रॉप लोकेशन है नवी मुंबई में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका पिकअप लोकेशन कितना दूर है, बताइए यार जल्दी। 180 मीटर पे सिर्फ इनका पिकअप लोकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं दोस्तों इनके पिकअप लोकेशन, मटेरियल लोड करता हूँ, फिर वापस अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ये कुछ प्रिंटिंग का मटेरियल है, ये दो रोल है और ये कुछ दो शीट्स है, वो अभी लोड कर लिया हूँ। और ये कस्टमर क्या बोल रहे हैं मालूम है, जो L&T है ना, जो पवई साइड, वहाँ पे उनका छोटा मोटा कुछ प्रिंटिंग का मटेरियल है वो जो छोड़ना है वहाँ पे। तो बोले कि मेरे को फोटो रैप पर आपको मैं एक स्टॉप और ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इनको बोला स्टॉप ऐड मत करो, जो है मुझे ना मतलब एक्स्ट्रा पैसा कर दो, मतलब उसमें मेरा ना टोल वगैरह सबको निकल जाएगा। वैसे मैंने कस्टमर को नहीं बोला कि टोल वगैरह निकल जाएगा, अपने आप में बोला कि भाई अपने को मिलने से मतलब बोला कि नहीं अपना टोल कस्टमर से मिल रहा है तो और क्या चाहिए भाई, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। सो देखते अभी पोर्ट रैप पर मैंने चेक किया, कुछ 290 अमाउंट बता रहा है, लेकिन कस्टमर को मैं बोलूँगा 250 कर दो करके, नहीं तो जो भी रहेगा आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो दोस्तों देखो ऐसे कस्टमर से बात करोगे ना तभी आपका कन्वर्सेशन आपका बढ़ेगा और कस्टमर आपसे ना अच्छे से बात करेगा। अच्छे से बात करोगे तो, नहीं तो उसको रूडली बात करोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपको लिटरली बुरा बोल रहा हूँ। तो अभी देखते कितना टाइम, 10 मिनट बोला है वो, थोड़ा कुछ प्रिंटिंग प्रिंट हो रहा है वो मटेरियल, तो जैसे प्रिंट हो जाएगा वैसे लेके आएंगे, आपको मैं बता दूंगा कौन सा मटेरियल लेकर के, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं निकल चुका अपने ड्रॉप लोकेशन एरेली में। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक और एक लोकेशन था जो कि पवई का ड्रॉप लोकेशन था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि प्रिंटिंग के लिए दोस्तों आधा घंटा लगने वाला था सूखने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों मैं निकल पड़ा, ये मेरे साथ था इरफान, इसका नाम है। तो ये भाई कुछ हंस नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, एकदम शांत से बैठा था। मैं इतना बोर हो रहा था मैं गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बाजू में जो भी बैठता है ना थोड़ा हल्का बोलना मिलना चाहिए इसकी वजह से, नहीं तो भाई ड्राइवर को भी नींद लग जाती है इसकी वजह से। तो जितना हो सके भाई जो भी भाई बाजू में बैठेगा प्लीज़ कृपया करके भाई शांत मत रहो, नहीं तो भाई किसी और को ठोक दूंगा शांति के चक्कर में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं अपने ड्राइव पे पूरा फोकस करता हूँ। सो चलो अब जाते हैं अभी सीधा अपने ड्रॉप लोकेशन, अभी एरोली टोल ना का आएगा, टोल भरते, ठीक है, फिर मिलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन एरोली में। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाईवे साइड ना कबूतर को ऐसा कुछ किया मत करो, देखो कबूतर देखो पूरा मरा हुआ है, देखो हाईवे साइड खिलाओगे ना यही होगा, देखो अभी साइड में रख देता हूँ, अभी जा रहा था एरोली साइड, देखो ये हाईवे साइड ऐसा खिलाओगे तो कैसे चलेगा, देखो ये पे यहाँ पे कबूतर आएगा ना खाने के लिए मर ही जाएगा वो, ये हाईवे साइड ला देता ना आज प्रॉब्लम है। हाँ तो दोस्तों मेरा ट्रिप तो कब का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं जा रहा था एरोली साइड, क्योंकि जो लोकेशन पे कहता है ना जहाँ पे माइंड स्पेस करके बहुत बड़ा मतलब कंपनी है, तो वहाँ पे अपना ड्रॉप लोकेशन था, वहाँ से ड्रॉप करके कम से कम मुझे कुछ 21 मिनट कुछ हुआ रहेगा, ट्रिप नहीं आया, तो सोचा कि एरोली साइड निकल जाता हूँ जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल लाइन ज़्यादा करके। तो जैसे निकला वैसे हाईवे पे देखा तो कबूतर पूरा गिरा हुआ था, पूरा मरा हुआ था, मतलब किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया रहेगा। ऑफकोर्स यार मतलब देखो ना हाईवे का साइड ऐसा, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कबूतर को भाई खाना वगैरह मत खिलाओ, क्योंकि वो लोग डिपेंड हो जाते हैं इंसानों के ऊपर, बड़ा कि नहीं। मैं ऐसा मतलब पशु के रिलेटेड वैसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ कुछ गंदा वंदा, लेकिन मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हाईवे का खिलाना है आपको तो प्रॉपर एक जगह रहेगी जहाँ पे मतलब है ना गाड़ी वगैरह आती नहीं, वहाँ पे जाके खिलाओ। उससे अच्छा दोस्तों आपको डोनेट करना ना कहीं ना कहीं फूड, मतलब इसे स्ट्रीट डॉग के लिए या तो कहीं ना कहीं जानवर लोग के लिए, तो उनका भी एक संस्था आती है वहाँ पे आप डोनेट जाके कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा रास्ते पे मत खिलाया करो, क्योंकि वो लोग डिपेंड हो जाएंगे अपने ऊपर इसके वजह से। तो बस इतना ही मेरे मुझे बोलना था, और बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है, लिटरली आपको बहुत बुरा लगता है भाई ऐसा कुछ देखता हूँ मैं सच्ची में। सो फाइनली दोस्तों अभी मुझे आ चुका है पोर्ट रैप पर ट्रिप। सो अभी दोस्तों टाइम देखो कितना हो रहा है, 4:54, मतलब अभी 5 बजने आ गया। तो एक मेरा प्राइवेट भाड़ा भी था जो जिसका पिकअप लोकेशन गोरेगांव से, और इसका उसका ड्रॉप लोकेशन है बोरीली ईस्ट में ही है, जो अमोल दादा ना जिनका मैं बदलापुर भाड़ा लेके गया था उनका ही ट्रिप था। तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, इतना वेट करना पड़ा ना भाई नवी मुंबई का, यहाँ से ट्रिप आ रहा है मेरे को बेलापुर साइड भेज रहा था बार बार, बेलापुर बदलापुर ये साइड, तो मैं वो सब ट्रिप है ना, 3 ट्रिप मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं मुझे देखो एक ट्रिप है, देखो ये देखो इसका पिकअप लोकेशन आप देख सकते हो, देखो नवी मुंबई घनसोली, अभी मैं आ चुका हूँ पिकअप लोकेशन, और ये ट्रिप का ड्रॉप लोकेशन देखो दोस्तों पवई में ही है।
सो फाइनली मटेरियल पूरा लोड कर लिया, अभी सीधा निकलते अपने ड्रॉप लोकेशन पवई चांदीलू में। सो निकल पड़ते अपने ड्रॉप लोकेशन, ये है घनसोली का ब्रिज, यहाँ से मुझे को जाना है। तो अपने ड्रॉप लोकेशन कम से कम कुछ 18 किलोमीटर का है दोस्तों। यहाँ के ब्रिज को इतना कलर पेंटिंग किया था ना, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ऊपर से मैं एंगल नीचे भी ले रहा हूँ, देखो मस्त ना। तो ऐसा कुछ नज़ारा मिल जाएगा ना दोस्तों, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब है ना दोस्तों, इंसानों को देखा नहीं जाता, वो थूक फाँक के रख देते साइड में तो ऐसे बोलते बोलते ऐरोली साइड आ गया। तो दोस्तों मैंने सुबह सुबह बोला था, ये तो मेरा तीसरा ट्रिप है, लेकिन सुबह सुबह मैंने 5 ट्रिप बोला था, कैसे कंप्लीट होगा क्या पता, अभी भगवान ही जाने अभी। चलो कोई बात नहीं भाई, दिन एकदम अच्छे से निकल रहा है, बस हो गया, लेकिन हो जाएगा, कहीं ना कहीं ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। सो एक घंटे के बाद मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। सो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा पवई साइड, थोड़ा देख रहा हूँ ट्रिप आएगा कि नहीं। सो देखते हैं ट्रिप आएगा तो आपको मैं पूरा बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई गली गली में घुसा था, लेकिन अभी भी पूरा वन हैंड पूरा हाथ में फ़ोन है, और एक हाथ से पूरा गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि स्टैंड भूल गया घर पर। बहुत मतलब बहुत भुलक्कड़ हो चुका सच्ची में। आपको मैं अर्निंग बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट में बताऊँगा, बीच में दिख नहीं रहा इसकी वजह से। तो देखो ये सब ये छोटा मोटा गली में है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत डर लगता है गाड़ी घुसाने के लिए। चलिए दोस्तों अभी सीधा निकलते घर, क्योंकि अभी बज चुके लगभग 7:10, सोच रहा हूँ सीधा घर चले जाता हूँ। और वैसे दोस्तों मैंने बोला था सुबह से भी आपको कि 5 ट्रिप कंप्लीट करूंगा, लेकिन दोस्तों क्या करूं, अर्निंग के चक्कर में सोचा बड़ा वाला ट्रिप उठा लेता हूं, फिर उसके बाद मेरे को मिल जाएगा ट्रिप। भाई क्या बोलू यार, पक गया मैं वहां पे बैठ बैठ के कम से कम 1.5 घंटा बैठा, और मेरे को बेलापुर ये साइड को वो साइड का पूरा ट्रिप आ रहा था, तो सोचा कि वहां का जाऊंगा, और जाऊंगा तो कभी कभी फंस गया तो उसकी वजह से वहां का ट्रिप उठाया नहीं। तो बाद में निकल रहा था तो मेरे को एक ट्रिप मिल गया, वो भी घनसोली से पिकअप था, सोचो मतलब 2.7 किलोमीटर से मेरा पिकअप था, और ड्रॉप लोकेशन आपको पता ही है पवई चांदीली में। तो अभी ये ड्रॉप का जो मटेरियल और कस्टमर से 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुका है, क्योंकि वो जो मटेरियल था ना दोस्तों वो कमोड का मटेरियल था ना, इसके वजह से एकदम सामान आपको अच्छे से लेके गए, उसके वजह से 50 रुपये अपने को आज भी ट्रिप मिल चुका है। कल तो भाई 230 रुपये ट्रिप मिला था, आज सिर्फ 85 रुपये मिला है, कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में बहुत मतलब बहुत टिप मिलेगा, ऐसा काम करेंगे। तो और आज का टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे वापस एक बार चैलेंज करेंगे, लेकिन इस बार दोस्तों बड़े बड़े ट्रिप नहीं उठाऊंगा, छोटे छोटे मारूंगा, जिससे 5 ट्रिप मेरे को कैसे भी करके कंप्लीट करूंगा, देखा जाएगा, नहीं होगा तो वापस करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे बस। और आज का मैं अर्निंग आपको मैं बता देता हूँ, 1733 मेरा आज का अर्निंग हो चुका है, जैसे कि आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं देखो। और दोस्तों टोल का तो छोड़ ही दो यार, टोल 150 मेरे को मिला, ठीक है, अपना ऐरोली तक जाने के लिए उसका सिर्फ 75 रुपये टोल गया, और बाकी वापस मेरे को 150 रुपये टोल मिला यहाँ अपना पवई आने का, तो टोल तो अपना वसूल हो चुका है, ये 150 मेरा बच गया। वैसे ही आप भी वैसे ही कैलकुलेट करो, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लंबा ट्रिप था ना, इसमें मेरा चार्जेज ना पोर्टल ने बहुत मतलब बहुत कम काटा है, 20% नहीं काटा है। आपको मैं कैलकुलेशन करके पूरा बता देता हूँ, जैसे पार्किंग में पहुंचूंगा ना वैसे आपको मैं पूरा बता दूंगा कैसे क्या कैलकुलेट किया है बोल रहे आपने। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका अपने पार्किंग में, 290 का कुछ सीएनजी गया है आज बहुत मतलब बहुत सीएनजी गया है, मतलब ज्यादा इतना अपना बोलते ना अर्निंग हुआ नहीं, लेकिन सीएनजी ज्यादा गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं अर्निंग आज पूरा शेयर कर देता हूँ। वैसे दोस्तों मैंने सुबह सुबह बोला था आपको कैसे भी करके मैं 5 ट्रिप कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी मन में, वो लंबा ट्रिप पकड़ के, लंबे ट्रिप में यही होता है कभी कभी आपको भाड़ा मिलता है कभी कभी नहीं मिलता, आपके वो लक के ऊपर पूरा डिपेंड है, लेकिन मेरे को आया था ट्रिप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे को पोर्ट्रैप पर ट्रिप नहीं आया, फिर उसमें से दोस्तों क्या ही बोलूं, इतने लोग मतलब जो अपने सब्सक्राइबर्स है वो कॉल कर रहे, प्लीज बोल रहे कि मुझे आप नंबर मत दो लेकिन मेरे से ऑनलाइन बात करो इंस्टाग्राम पर, इतने बात कर रहे ना भाई क्या ही बोलूं, मुझे अच्छा लगा बात करके, लेकिन दोस्तों इतना ही बोलता हूँ, मुझे शाम को कॉल किया करो, क्योंकि दिन भर में ना मैं काम में बिजी रहता हूँ, और प्लस वीडियो भी बनाना, प्लस यहाँ वहाँ आपको पता ही है भाई ड्राइव करते समय थोड़ा भी ध्यान भटक गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए ज्यादा इतना रिस्क में लेता नहीं हूँ, लेकिन तभी भी थोड़ा समझ जाओ, शाम को मुझे कॉल करो, शाम को ये टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, मुझे आपका नंबर आप मुझे सेंड कर दो इंस्टाग्राम पर, तो मेरा आईडी किसको पता नहीं, तो ये मेरा आईडी इंस्टाग्राम का, इस पर जाके मुझे मैसेज करो, कोई भी गाड़ी का इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, कुछ भी आपको लगेगा कि इससे कुछ पूछना है मुझे, तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, और आपका नंबर दे दो, मैं आपको कॉल बैक
एक दो दिन में तो कर ही दूंगा ना, तो कभी कभी तुरंत भी करता कॉल बैक। किस किस को ऐसा अब तक हुआ नहीं कि किसको मैं कॉल बैक किया नहीं हूँ, ठीक है। सो अभी आपको मैं अर्निंग शो कर देता हूँ मेरा, कितना हुआ मेरा आज का अर्निंग, ठीक है। ये देखो इधर गया, अपोटर भाग गया क्या? हाँ मिल गया। ये देखो दोस्तों 1733 मेरा आज का अर्निंग हो चुका है। और जो छोटे जो अभी जो ट्रिप लेके गया ना नवी मुंबई का, उसमें कितना हुआ पोर्ट्रेट में, कितना परसेंट काटा ना, वो आपको मैं अगले ब्लॉग में पूरा बता दूंगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत मतलब बहुत लंबा हो जाएगा इसके वजह से, ठीक है। तो अभी ज्यादा इतना कुछ बोलता नहीं, अभी ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।